सो आज हम बात करेंगे इरफान सर के शो की गुफ्तगू। आप लोगों ने इसके बारे में शायद सुना होगा, एक राज्यसभा टीवी का शो है जिसमें इरफान सर बहुत अलग अलग गेस्ट लाते हैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए। बहुत बार ऐसे भी गेस्ट होते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े नहीं होते, एंड ही टेक्स द इंटरव्यू ऑफ दोज पीपल। मैंने इस शो से काफ़ी कुछ सीखा लाइफ में, एंड अभी सैडली ये हुआ है कि ये शो डिसकंटिन्यू कर रहा है राज्यसभा टीवी, एंड आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड इट वाई द शो इज़ गेटिंग डिसकंटिन्यूड, एंड विच इज़ समथिंग लाइक जो मेरे को बहुत बुरा लग रहा है जिस वजह से। ये मैंने शो आई थिंक कॉलेज में डिस्कवर किया था, फोर्थ ईयर में। मैंने इसको हमेशा, इस शो को मेरा फिल्म स्कूल कंसिडर किया। वेन एवर इट केम टू बॉलीवुड, गुफ्तगू वॉज माई गो टू सीरीज, एंड दिस वॉज वेयर लाइक जहाँ से मेरे को सब कुछ पता चलता था। अच्छा, गुलजार साहब ऐसे सोचते हैं, एंड जितने भी टीवी के एक्टर्स होते हैं, जैसे एक बहुत ही शानदार एपिसोड जिसमें जस्सी जस्सी कोई नहीं एक शो आता था, जो उसके जो उसमें जो फादर का रोल प्ले करते हैं उनके बारे में एक एपिसोड है। उनकी एक बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन है वेयर ही ऑल्सो टेल्स कि वो मुराकामी पढ़ते हैं, एंड लाइक उनसे पूछा था इरफान सर ने कि व्हाट आर यू रीडिंग करेंटली, और उन्होंने बताया था कि मैं मुराकामी की शायद वाइंड अप बर्ड क्रॉनिकल या कोई तो किताब बोली थी, एंड ही वॉज लाइक दिस इज सो कूल एंड इट्स ब्यूटिफुल। लाइक आई डोंट नो आप कौन सा पॉडकास्ट सुनते हो, बट अगर आप गुफ्तगू को पॉडकास्ट के जैसे सुनने लग जाओगे ना, यू विल हैव द टाइम ऑफ योर लाइफ। उनके क्वेश्चन इतने रिफाइंड होते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ दोज ओनली टॉक शोज वेयर यू गेट टू लिसन टू द पर्सन हु इज गेटिंग इंटरव्यूड। वो मोस्टली कभी भी किसी को बीच में कट नहीं करते, एंड अगर कट करते हैं तो वो वापस उस पॉइंट पे लाते हैं। द थिंग ही आस्क्स द गेस्ट इन द एंड इज कि अगर मेरे तरफ से कोई क्वेश्चन रह गया हो, अगर मेरी तरफ से कोई बात रह गई हो जो मैंने आपसे नहीं पूछी हो और आप जिसके बारे में बात करना चाहेंगे, तो प्लीज़ बताइए। इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई हैव लर्न्ड फ्रॉम द शो कि गिव द अदर पर्सन द चांस इवन इन द एंड कि कुछ रह गया हो तो बताओ। अनुराग कश्यप वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज वो ये बताते हैं कि कैसे अगर बॉम्बे आते हो तो आपको ये छुपाना पड़ता है कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, बिकॉज ही वॉज वेरी वेल रीड, सो ही यूज टू से ऑल दोज थिंग्स। देर वॉज अ टाइम वेन ही वॉज रीडिंग अबाउट आयन रैंड, विद आयन रैंड की किताबें पढ़ रहे थे। देन देर वॉज अ टाइम वेन ही वॉज रीडिंग द किताब्स ऑफ लाइक मार्क्सिज्म के ऊपर पढ़ रहे थे, एंड ही वॉज लाइक कि तब हम उस स्टेज में थे कि मैं जो भी पढ़ता था, लाइक इफ आई रेड आयन रैंड आई वुड बिकम अ कैपिटलिस्ट, इफ आई रेड समथिंग रिलेटेड टू कार्ल मार्क्स मैं मार्क्सिस्ट बन जाऊंगा। तो वो मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी चेंज होती रहती थी। सो दिस इज़ वन, बट यहाँ पे भी जो क्वेश्चंस पूछे इरफान सर ने, इट वॉज अमेजिंग। मेरा जो फेवरेट एपिसोड है, इट्स अ कन्वर्जेशन विद मिस्टर सलीम खान, लाइक द रेनाउंड राइटर। सलीम खान वाला एपिसोड तीन पार्ट्स में, नॉट वन पार्ट, आधे आधे घंटे के तीन पार्ट्स में, तो 1.5 घंटे का एक इनका वो है। मेरे को अभी भी याद है वो कितनी डीप थी कन्वर्सेशन, एंड लाइक कितने ज़्यादा मतलब सुलझे हुए राइटर है वो। लाइक ही न्यू एवरीथिंग। उन्होंने मतलब बताया कि शोले के बाद उन्होंने कैसे क्रैक कर लिया था व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट, तो वो अपने आप को उस तरीके से देखते थे कि हम राइटर नहीं थे बट हमें पता था कि ऑडियंस को क्या चाहिए। बहुत सारी लर्निंग्स थी वहाँ पे। उन्होंने अंग्रेज़ों के बारे में एक चीज़ बोली थी, जैसे भी हो उनको पिक्चर अच्छी बनानी आती है। मेक श्योर व्हेन यू वॉच दी सलीम खान इंटरव्यू यू वॉच ऑल थ्री पार्ट्स एंड तक ना, आपको ज्ञान मिलेगा उसमें, और ऐसा ज्ञान जो कहीं और नहीं मिलेगा। आई लव्ड इट। द थर्ड वन इज हिज एपिसोड विद टॉम ऑल्टर। टॉम ऑल्टर के साथ जो है वो भी आई थिंक मिनिमम 1.5 घंटे की एक कन्वर्सेशन है। उस कन्वर्सेशन में भी व्हेन यू विल सी इट, आपको आपको देखोगे कि उन्होंने रिलीजन के बारे में, टॉम ऑल्टर ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली है। उन्होंने ये बोला है कि आज की जनरेशन को कैसे डायरेक्शंस नहीं पता होते, तो उन्होंने अपना एक इंस्टेंस बताया था। जो इनका एक एपिसोड है पंकज त्रिपाठी के साथ, पंकज त्रिपाठी के तो एनीवे इंटरव्यूज इतने अच्छे होते हैं, बट ये वाला एपिसोड बहुत टॉप नॉच था। जैसे वरुण ग्रोवर वाला भी जो इनका एपिसोड है गुफ्तगू का, वरुण ग्रोवर के घर गए और जमीन पे बैठ के बात कर रहे हैं। आई रिमेम्बर 100th एपिसोड इनका जया बच्चन जी के साथ था, और पता है ये जब मैंने बहुत देख लिया था ना, तो बहुत ज्यादा मन था मेरा कि लाइक मैं इरफान सर से मिलूं। तो मैं एक बार दिल्ली में था और मेरे एक फ्रेंड है
मले, तो मले को मैंने कहा था कि मेरे को इरफान सर से मिलना, और वो जानते थे इरफान सर को, तो हम इरफान सर से मिलने गए थे, और उनकी टीम के और भी लोग थे वहाँ पे जो उनके सिनेमाटोग्राफर्स हैं, एंड उनकी जो टीम है वो मेरे से पूछ रही है कि अच्छा आपने क्या देखा। मैं ऐसे था ना कि मैं पिक्चरें देखता हूँ बहुत, तो मेरे से पूछ रहे थे अच्छा आपने क्या देखा है, ये बताइए बताइए। मैंने कहा मेरी बॉलीवुड की नॉलेज इतनी स्ट्रांग नहीं है, जो भी नॉलेज है मेरी बॉलीवुड की वो आपके शो की वजह से। बट फिर उन्होंने मेरे से कुरोसावा की बातें की, बहुत सारी बातें की, और बड़ा मज़ा आया। लाइक आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे बिकॉज मैं एज अ फैन गया था उनसे मिलने। एंड अभी अगर आपने रिसेंटली देखा हो, वी ऑल्सो गॉट हिम ऑन चलचित्र टॉक्स पोएट्री वाली सीरीज में, जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लाइक रिकमेंड की थी। इन जनरल ऑल्सो आई लाइक हिम अ लॉट, आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर हिम। सेकेंड लास्ट सफर पर आप जो देख रहे हो, चलचित्र पर जो आप देख रहे हो, लाइक आई सेड कि देर इज़ सो मच फ्रॉम दोज प्लेसेज दैट आई हैव लर्न्ड, देर इज़ सो मच ऑन द शो, ऑन ऑल द चैनल्स दैट यू नो, जिनमें मैं लाइक कहीं ना कहीं ऑपरेट कर रहा हूँ, उसमें एक एलिमेंट है गुफ्तगू का। इनके एक एपिसोड है पवन मल्होत्रा के साथ, जो ब्लैक फ्राइडे में भी थे, जो डॉन मूवी में थे, बहुत अच्छा एपिसोड है। इनफैक्ट अक्षय कुमार का गुफ्तगू पे राज्यसभा टीवी पे, जो अगर आप वो देखेंगे, इट्स सच सच अ ग्रेट एपिसोड, बिकॉज इनके क्वेश्चंस इतने डीप होते हैं ना, यू आर लाइक टोटली गोइंग टू बी लाइक एनग्रॉस्ड इन दैट थिंग। इनका जॉन अब्राहम के साथ एक है, रणवीर शोरी वाला भी बहुत अच्छा एक इनका एपिसोड है। इनका दिबाकर बैनर्जी के साथ एक एपिसोड है विच आई रियली लाइक। इनका एक एपिसोड है अभिषेक चौबे के साथ, जो आई थिंक रिसेंटली आया था, एंड बाई रिसेंट आई मीन इन द लास्ट 2 ईयर्स। जैकी श्रॉफ वाला एपिसोड आपको देखना चाहिए, अरे ये तो लिस्ट बढ़ती जा रही है। शकुन बत्रा वाला एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा है, प्रॉबेबली वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स इन द सीरीज इज हिज एपिसोड विद संजय मिश्रा द एक्टर। आप संजय मिश्रा को बात करते देखेंगे और वो ऐसे जीवन के बारे में बातें कर रहे हैं, जीवन समझते हैं ना, और वो ऐसे ऐसे मतलब इतना सडनली फिलोसॉफिकल हो जाता है, यहां से यहां चला जाता है, एंड यू विल लव इट। एक सेकेंड के लिए भी मैं मतलब मेरी मतलब मैं आँख नहीं झपका हुआ था व्हेन आई वाज वाचिंग द संजय मिश्रा एपिसोड। शबाना आजमी वाला एपिसोड बहुत अच्छा है। शबाना आजमी वाले एपिसोड में शबाना आजमी ने एक कहानी बताई थी कि हाउ एक्टर्स आर विजिलेंट एट ऑल टाइम्स। तो इन्होंने बताया था कि, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, बहुत अच्छी स्टोरी है, आप खुद देखना, 52 मिनट्स का इंटरव्यू है, जहाँ पे शबाना आजमी ने बताया था कि एक बार किसी की डेथ हुई थी एंड समवन वाज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ हर, और वो कुछ बात बता रही थी, और शबाना आज़मी एज एन एक्टर कुछ नोटिस कर रही थी, तो वो उन्होंने जो पूरी स्टोरी टेलिंग के साथ वो जो पूरा किस्सा नरेट किया ना, दैट इज़ ऑल्सो सो गुड। आदिल हुसैन के साथ जो इनका एपिसोड है, आदिल हुसैन लाइक वी ऑल लव आदिल हुसैन, दीपक डोबरियाल के साथ जो एपिसोड है अमेजिंग अमेजिंग, उषा उत्थप के साथ जो इनका एपिसोड है अगेन वेरी गुड, जीशान कादरी के साथ जो एपिसोड है बहुत अच्छा है, पीयूष मिश्रा के साथ एपिसोड है वो बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है, उसमें एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, मैं स्पॉयलर नहीं दूंगा, बट इट इज़ समथिंग वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड। साइवन क्वाद्रास वाला एपिसोड बहुत अच्छा है, साइवन क्वाद्रास इज द राइटर हु हैज़ रिटन नीरजा एंड मैरी कॉम। उन्होंने साहित्य के बारे में बात की थी कि अगर तुम्हें राइटर बनना है तो तुम्हारी साहित्य की नॉलेज बहुत होनी चाहिए। सौरभ शुक्ला वाला एपिसोड बहुत अच्छा है, अमित त्रिवेदी के साथ जो इनका एपिसोड है अगेन वेरी वेरी गुड। अमित त्रिवेदी के चाइल्डहुड के बारे में मेरे को इस एपिसोड से बहुत चीज़ें पता चली थी जो मेरे को इससे पहले नहीं पता थी। जोया अख्तर के साथ इनका एक एपिसोड है, जोया अख्तर वाला एपिसोड भी सुपर्ब है। जोया अख्तर ने अपने बोहेमियन लाइफस्टाइल की बात की थी कि हमारे घर में इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट आते रहते थे। दी एपिसोड विद दी एक्टर इरफान खान, जिनकी अभी कुछ टाइम पहले डेथ हुई थी, जिनको हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके साथ इनका एपिसोड बहुत अच्छा है। द रजत कपूर एपिसोड, यशपाल शर्मा के साथ इनका एक एपिसोड है। यशपाल शर्मा ने बताया था कि जब वो NSD गए थे तो उन्होंने देखा या तो लड़कियाँ सिगरेट स्मोक करती हैं, और वह ऐसे घबरा गए कि अच्छा ये सब भी होता था दुनिया में, क्योंकि वो गाँव से आए थे और उन्होंने मतलब इतनी मॉडर्निटी वो समझ ही नहीं पाए कि लाइक ये क्या चल रहा है, लाइक वो अपनी जैसे इनोसेंस दिखा रहे थे, और मैंने इनको हमेशा नेगेटिव रोल्स में देखा, सो आई रियली रियली लाइक इट। राजकुमार राव वाला एपिसोड, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, के मेनन वाला एपिसोड, गाइस डेफिनेटली डेफिनेटली वॉच के मेनन वाला एपिसोड। के मेनन ने अपनी जो पैसों को लेके जो आइडियोलॉजी है उसके बारे में बात की थी। मुकेश खन्ना के साथ इनका एपिसोड है, जो शक्तिमान है,
बहुत अच्छा एपिसोड है, राकेश ओम प्रकाश मेहरा के साथ बहुत अच्छा एपिसोड है, आयुष्मान खुराना के साथ बहुत अच्छा है, बमन ईरानी के साथ जो एपिसोड है, अगेन लाइक बमन ईरानी एपिसोड मेरा गुफ्तगु का इफ नॉट टॉप 5 इट विल डेफिनेटली बी इन द टॉप 10 एपिसोड दैट आई हैव सीन इन गुफ्तगु। जावेद जाफी के साथ एक एपिसोड है, इट्स वेरी वेरी गुड, जावेद अख्तर वाला एपिसोड बहुत अच्छा है, पंकज कपूर के साथ एक बहुत अच्छा एपिसोड है जहाँ पे पंकज कपूर ने बताया था कि एक एक्टर के लिए स्कूल जाना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि बांध का इन्होंने एक बहुत अच्छी एनालॉजी दी थी, जो एनर्जी निकलती है तो बांध के थ्रू कैसे निकलती है, लाइक यू नीड अ पुश जो आपको मतलब जो आपकी सारी एनर्जीज को ना एक डायरेक्शन देगा। इट्स ब्यूटिफुल मैन, बहुत लोग हैं दुनिया में जो इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं बट जिनको शायद आपने आज लाइक इंटरव्यू देते हुए कभी नहीं देखा होगा, बट इट डजंट मीन उनके पास नॉलेज नहीं है। एंड वेन इरफान सर टुक देयर इंटरव्यूज यू रियलाइज कि इनके पास कितना कुछ था कहने को, एंड नॉट जस्ट कि दे आर टॉकिंग कि मैंने ये किया है, अबाउट देयर लाइव्स, अबाउट व्हाट दे हैव स्टडीड, अबाउट एवरीथिंग, इट वाज ब्यूटिफुल। इट्स अ ग्रेट ग्रेट सीरीज एंड आई होप इरफान सर कुछ कंटिन्यू करें लाइक किसी ना किसी फॉर्मेट में, यूट्यूब पे या कहीं भी, लाइक आई वुड लव टू सी इफ नॉट गुफ्तगु तो किसी और सीरीज को चालू करें, बिकॉज आई जस्ट लव सीइंग हिम टॉक, बहुत ही मेडिटेटिव एक्सपीरियंस होता है और आप लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। सो आई ओ अ लॉट टू हिज शो एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक दिस ट्रिब्यूट वीडियो फॉर हिम।